स्वागत है। मैं हूँ सुमित और मंगलवार का दिन जो कि बहुत ही बुरी स्थिति में आज बाजार को लेकर गया। इनफैक्ट आज दिन के निचले स्तरों पर बंद हुआ मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स। आज मेजर कारण है जो आपको सेकेंड हाफ में दिखाई पड़ेगा, और फर्स्ट हाफ की जोरदार तेजी सेकेंड हाफ में पूरी तरह से फिजल आउट हुई, और जो मिड कैप स्मॉल कैप ऑलरेडी प्रेशर में थे फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ के अंदर और तेज बिकवाली के साथ डे लो पर जाकर बंद होते दिखाई पड़े। एडवांस डिक्लाइन की स्थिति शुरुआती कारोबार में अलग थी और आखिरी कारोबारी तक आते आते पूरी तरह से बदल गई। यहाँ पे शुरुआत में वो 1200-1300 शेयर तेजी में थे और करीब 1300-1350 शेयर बिकवाली के साथ थे, आखिरी तक आते आते करीब 2400 या 2300 शेयर बिकवाली के साथ आ गए और 400 से 500 शेयर सिर्फ तेजी में रह गए। तो सेकेंड हाफ का कार्नेज बहुत तेज था और हाई इंटेंसिटी का कार्नेज आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में, जहाँ पर तेज बिकवाली देखने को मिली। फ्रंट में अगर आप ऑन अ फेस ऑफ इट देखेंगे तो निफ्टी बैंक तो आज हरे निशान में बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स, फ्रंट लाइन इंडेक्स में भी वोलेटाइल सेशन के साथ मोर लेस फ्लैट फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग दी, लेकिन जो मेजर डैमेज था वो मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। मेटल आज सबसे बड़ा कल्प्रिट है, सबसे ज़्यादा प्रेशर वहीं था, खासतौर से इंटरनेशनल क्यूज़ की वजह से वहाँ बिकवाली देख ही रहे थे हम सुबह से, वो सेकेंड हाफ में और तेज़ होते हुए दिखाई पड़ी। उसके अलावा आज शुरुआती कारोबार में जो कमजोरी थी हल्की फुल्की वो थी टायर में, लेकिन बाद में वो तेज़ी में कन्वर्ट हुई, सेकेंड हाफ तक आता था तो इनफैक्ट वो भी वाइपआउट ही हो गए। और ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं, मतलब इवन लिकर थोड़ा बहुत चला वो भी फिजल आउट हो गया, थोड़ा बहुत आईटी चला वो भी फिजल आउट हो गया, बैंक्स चले थे एक समय पर वो भी कुछ हद तक फिजल आउट हुए, लेकिन थोड़ी बहुत तेज़ी के साथ फ्लैट फ्लैट टू पॉजिटिव टोन में बंद हुए। मिड कैप में डैमेज था 1.5% का, स्मॉल कैप में डैमेज था 2.5% का, और ये डैमेज उन सिचुएशन में आ रहा है जबकि ऑलरेडी वो काफ़ी टूट चुके हैं, ऑलरेडी गिरावट दिखा चुके हैं। लंबी सूची है आज ईयर लो वाले स्टॉक्स की भी, और आज मेजर इम्पैक्ट तो सबसे ज़्यादा उन्हीं पर रहा जिनके लॉसेस थे, जोमैटो, पेटीएम या नई जितनी भी कंपनियां आप जोड़ सकते हैं उन सब में ही तेज़ बिकवाली देखने को मिली। जोमैटो नए ऑल टाइम लोस पर पहुंचा, मैप माई इंडिया, सी इन्फोटेक, न्यूवेका, ऐसे 50 नाम जो हाल फिलहाल में लिस्ट हुए थे उनमें मेजर कारण जाता हुआ दिखाई पड़ा। कमज़ोर नंबर्स का इम्पैक्ट जो है वो सीवियरली मार्केट दे रहा है, और मजबूत नंबर्स का भी बहुत ही माइनर गिरावट दिखा रहा है। आप कह सकते हैं कि बहुत ख़राब नंबर है तो 20% का लोअर सर्किट, ठीक ठाक नंबर हैं तो 5%, और अच्छे नंबर हैं तो भी 1% बिकवाली मार्केट दिखा ही रहा है। तो बाज़ार में इस समय कुछ भी बख्शा नहीं जा रहा, लेकिन जो तेज़ बिकवाली है उसके अंदर कुछ अच्छे नाम, कुछ वैल्यू भी यहाँ पर ज़रूर आते हुए दिखाई पड़ रही है, स्पेशली अच्छी कंपनियों में, लार्ज कैप कंपनीज के अंदर। चलिए, उम्मीद लगाता हूँ कि जिस तरह की बिकवाली है सवाल ही बहुत ज़्यादा ही होंगे, तो इसी सवाल के ऊपर ही चलते हैं और बातचीत कर रहे थे कुछ दर्शकों सवालों को जवाब को लेकर भी। पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो आया है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और एशियन पेंट्स। सर पहले तो एशियन पेंट की बात करता हूँ, लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में कल भी बात कर चुका हूँ कि वहाँ पर जब तक नंबर्स वीक थे इसलिए उसको बाजार ने बहुत स्टीपली रिएक्ट कर रहा उसके ऊपर, एक तरफा तेज़ी दिखाई थी, उसके बाद नंबर उतने सब्सटेंशियल अच्छे नहीं थे, सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर डीले थे जिसको बाजार ने बहुत आड़े हाथों लिया और उसकी वजह से बिकवाली देखने को मिल रही है। अब रही बात एशियन पेंट्स की, तो एशियन पेंट के इसमें सर नंबर ठीक हैं, इस बार नंबर कोई ख़राब नहीं आए हैं, इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट ज़रूर है, वो कल क्रूड टूटा था उसकी वजह से भी शेयर थोड़ा सा आज शुरुआती दौर में चला हुआ था, लेकिन बाद में वो नंबर्स की वजह से थोड़ा प्रेशर में आया। वॉल्यूम 8 से 10% का अनुमान था और डबल डिजिट में आता हुआ दिखाई पड़ा है, कमेंट्री थोड़ी सी ढीली है, लेकिन अभी शाम को जो रिपोर्ट्स आएंगी, ब्रोकरेज व्यूज़ आएंगे, वो एक ऐसी चीज़ को आपको क्लीनली वॉच करना होगा। कंपनी में ये उम्मीद थी भी कि प्राइस हाइक लेने के बावजूद भी इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट रहेगा, तो वो इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। इनका मेजर क्रूड डेरिवेटिव, इनका मेजर हिस्सा होता है इनपुट कॉस्ट का, और उसकी कीमतें 50% से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो ऑब्वियसली बात है इनके मार्जिन हिट होने ही थे चाहे वो कितना प्राइस हाइक कर लेते, तो वो हिट हुआ है, एक दो क्वार्टर की बात है वो तो रहेगा ही। तो एटलीस्ट आप अभी प्रेजेंट सिनेरियो को देख के कॉल मत लीजिए, देखिए प्रेजेंट सिनेरियो में सब कुछ आपको एडवर्स ही दिखाई पड़ेगा। जब बाजार तेज़ी में था तब आपके सामने हमेशा आता था कि 9 करोड़ अकाउंट खुल रहे हैं, इंडिया ग्रोथ स्टोरी बहुत इंटैक्ट है, इन्फ्लेशन ईज आउट है, इंडिया बहुत ही स्टेबल इकोनॉमी है, FIIs का पैसा आ रहा है, सब कुछ अच्छा। अब जब उल्टा है सिनेरियो तो आपके सामने सब उल्टा है, क्रूड भाग रहा है, FIIs की बिकवाली हो रही है, CAD बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट हो रहा है, FIIs पैसा निकाल रहे हैं, LIC से IPO आया है, तो बहुत सारी चीज़ें, वो आपका फेयर बदल होता है खाली, हमेशा वो पहले वाली चीज़ें भी तब भी थी और आज भी हैं, और आज वाली चीज़ें पहले भी थी तो आपने देखना शुरू कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं कुछ बदला है। आज भी बहुत सारी चीज़ों में इंडिया स्टेबल ही है, अच्छे नंबर ही हैं, ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट ही है, 140 करोड़ की आबादी है, सब कुछ सही है, लेकिन सिनेरियो भी उस फेवर में नहीं है, तो इसलिए रियलिस्टिक होकर अगर आप सोचेंगे तो ठीक है, कुछ कंसर्न है
कुछ बेटर भी हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में आपको एक समीकरण बनाना और बढ़िया स्टॉक्स को पिक कर लेना, सिंपल। ओके, इज इट टाइम फॉर SIP एंड इन्वेस्टमेंट टू गो ऑन वेकेशन फॉर वाइल एंड शुड वी कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन अ वेरी स्लो पेस? अनिल साहब, जब भी बाजार में ऐसा फॉल आए, पहली चीज़ तो पैनिक में आके कोई माल नहीं बेचना चाहिए, कभी भी पैनिक में कभी माल बेचिए मत, खरीद सकते हैं, बेचने का नहीं कभी भी। दूसरी चीज़, अगर आप इन्वेस्टर हैं, ऑब्वियसली ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस हीट हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर फॉल आ रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा SIP लेते रहिए, वो तो आप पहले से ही ले रहे हैं। SIP का पेज छोटा कर दीजिए, साइज़ छोटा कर दीजिए, साइज़ बड़ा कर दीजिए, पेज छोटा कर दीजिए। अगर बड़ा फॉल आप लग रहा है तो, मिसाल तौर पर आप 100 रुपये अगर लगाते हैं, 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और 10-10 रुपये का SIP कर रहे थे, तो आप ये कर सकते हैं SIP का क्वांटम 20 कर दें लेकिन फ्रीक्वेंसी कम कर दें, या क्वांटम 10 ही रहने दें, फ्रीक्वेंसी जल्दी जल्दी कर दें, ताकि हर फॉल में आपको पैसे चीज़ें मिलती रहें। आप बस ये बिलीफ आपको अपना कंटिन्यू रखना है कि हाँ, ये कंपनी अच्छी है, अगर वो अच्छी है तो TCS से रिलायंस, HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, PD लाइट, ऐसे बहुत सारे फॉल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो देख चुके हैं। एक दो नहीं, मतलब मेरे ही भी समझ से ज़्यादा फॉल उन्होंने देखे होंगे आज तक। उनके मैनेजमेंट उस सिचुएशन से निकालना उनको जानते हैं बहुत अच्छे से, तभी वो इतने अप्स एंड डाउन्स देखते हुए आ रहे हैं। World War II से कंपनीज़ कामकाज कर रही हैं इंडिया में, मतलब बहुत सारी कंपनीज इनकी 100-100 साल पुरानी हिस्ट्री है इंडिया में, और ऐसे 100-100 साल में नहीं कितने फॉल आके जा चुके हैं। तो जब वो सिचुएशन नहीं रही तो ये भी नहीं रहेगी, ऑब्वियसली अगर समय अच्छा हो या बुरा, एक दिन बीतता ज़रूर है, बीती जाएगा, क्या दिक्कत है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके पास रहेगा, तो एटलीस्ट आप धीरे धीरे SIP में उनमें इन्वेस्ट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अपोलो हॉस्पिटल एंड जुबिलेंट फूड, सर दोनों मेजर हैं वैसे तो। विनोद जी, जुबिलेंट फूड भी अपने स्पेस का डोमिनेंट प्लेयर है, 72% का मार्केट शेयर ओन करता है, और अपोलो हॉस्पिटल भी है, लार्जेस्ट हॉस्पिटल है, 72 के आसपास उनके भी हॉस्पिटल हैं, करीब 10,508 के आसपास के बेड्स हैं उनके पास, सेकेंड लार्जेस्ट रियलाइजेशन पर बेड है, 40,800 रुपये पर ऑपरेशनल बेड का रियलाइजेशन है, और अच्छे ग्रुप ही कंपनी है। दो दिन पहले उन्होंने एक दैनिक को इंटरव्यू भी दिया था, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप रेड्डी सिस्टर्स का जो इंटरव्यू है वो सुन भी सकते हैं, बहुत बढ़िया इंटरव्यू था। उसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल के केस में भी आप, सॉरी जुबिलेंट फूड के केस में भी नंबर्स अभी वेटेड हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं रिस्क है तो नंबर्स को आप कीनली वॉच कर सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, 1700-1600 का शेयर था, वो एक तरफा चला था, 3200 आया, रुका 2800 आया, उसके बाद एक तरफा चल के सीधे 4500 पहुँच गया। तो अगर 4500 से 2800 की जोन में आ भी गया तो ऐसा कोई पैनिक नहीं है, 1700 भी आ जाए तो भी कोई ऐसा पैनिक नहीं होगा, तो ये कारोबार था, उस कारोबार की एक फेयर वैल्यू होती है और एक हायर वैल्यू होती है। तो अगर आप हायर वैल्यू में फंस भी गए हैं तो फेयर वैल्यू कर लीजिए एवरेज करके, अगर आपको सही लग रहा है तो। अगर आपको नहीं लग रहा है कि कंपनी नहीं चलेगी, बिज़नेस बंद हो जाएगा, पिज्ज़ा नहीं खा रहे लोग, तो सिचुएशन ही अलग है फिर तो। तो लेकिन थोड़ा इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट रहेगा, इसलिए मार्जिन इनके हिट होंगे, इसलिए बाजार बहुत कुछ डिस्काउंट कर रहा है। दूसरा, बिकवाली भी है, FIs लगातार माल बेच रहे हैं, और अगर FIs माल बेच रहे हैं तो वो कार्नेज होता है, जिन्होंने 700 रुपये पे शेयर लिया है वो 4000 पे जाके बेच भी रहे हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। DIs माल ले ही रहे हैं ना, तो कभी ना कभी DIs के भी फेवर में चीज़ें आएंगी ही। तो इसीलिए पैनिक में एटलीस्ट कुछ मत करें, जस्ट देखें, नहीं लें वो बात अलग है, पोर्टफोलियो बंद कर दें कुछ दिन के लिए वो भी बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट पैनिक में रोज़ रोज़ देखेंगे तो शायद बिकवाली भी करने लग जाएंगे बाजार में। अच्छा, व्हेन यू से विद इंक्रीजिंग डॉलर प्राइस IT कंपनीज रियलाइजेशन गेट बेटर, व्हाट डज इट एग्जैक्टली मींस? दीक्षित साहब, IT कंपनियों के जो रियलाइजेशन होते हैं, क्योंकि हर कंपनी का क्लाइंट जो होगा बाहर का होगा, से कोई कंपनी है जो डील करती है किसी अमेरिकन आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ, तो उनके जो पेमेंट्स होंगे वो डॉलर्स में आएंगे, और डॉलर्स में आते हैं तो डॉलर का रियलाइजेशन बढ़ रहा है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तब उसकी वैल्यू थी से 75 रुपया, और आज जब डॉलर का प्राइस भाग के 77 आ गया, 78 आ गया, तो उनके रियलाइजेशन 78 के हिसाब से आएंगे। लेकिन कंपनियां इसमें केवियट लगाती हैं, केवियट वो ऐसे लगा लेती हैं कि नहीं, अगर डॉलर इतना भागेगा तो हम इतना ही देंगे, लेकिन उसमें भी ये 3-4 डॉलर 5 डॉलर का स्कोप लेकर चलते हैं कि शायद वो मिल जाएगा, इसलिए रियलाइजेशन के बेटर हो ही जाते हैं। दूसरा, जो इनको पेमेंट करने होते हैं वो इंडियन कंपनी से करने होते हैं, और क्लाइंट से वो पेमेंट उठाते हैं डॉलर्स में, पेमेंट करते हैं रुपीज़ में, तो वो रियलाइजेशन इनको वेज के साइड पर भी आता हुआ दिखाई पड़ जाता है। तो ये अच्छी सिचुएशन होती है उन कंपनियों के लिए जो कि एक्सपोर्टर है, नेट एक्सपोर्टर है, जैसे आप फार्मा देख लीजिए, क्योंकि ये बनाते इंडियन उसमें प्रोडक्ट्स को हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ से अच्छा रियलाइजेशन उठाते हैं। तो फार्मा, टेक्सटाइल, IT, ऑटो एंसलरी, इनके लिए ठीक है, इम्पोर्टर्स के लिए बुरा है, जो इम्पोर्ट करते हैं सारे तरह के ऑयल्स जिनको हम इम्पोर्ट करते हैं उनके लिए बुरा है। रबर, भले आज अपोलो टायर भाग गया वो अलग है, लेकिन रबर के लिए इशू है, क्योंकि हम रबर इम्पोर्ट करते हैं।
जितनी मल्टीनेशनल जाइंट्स हैं उनको हम रिपेट्रिएट करते हैं, उनका जो पैसा है रॉयल्टी का पैसा वो उन्हें डॉलर में देना पड़ेगा। तो आज ने आपने अगर कमाया रुपया में और डॉलर भाग गया तो आपको डॉलर में उनको रिपेट्रिएट करना है पैसा रॉयल्टी का, तो उनके लिए थोड़ा प्रेशर होता है। लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं, लेकिन सेंटीमेंट वाइज थोड़ा इम्पैक्ट करता ज़रूर है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका इम्पैक्ट आप नंबर्स में देखेंगे। ओके, अदानी विल्मर, जयप्रकाश साहब मुझे लगता था कि आज का सर्किट शायद खुल जाएगा, लेकिन आज सर्किट नहीं खुला। 7-8 लाख शेयरों का सर्किट लगा हुआ है, तो 7 सर्किट लग चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा शायद डाउनसाइड है नहीं। मैक्सिमम 1 और 2 लोअर सर्किट और लगने चाहिए, उसके बाद घूम जाएगा। कोई चीज़ इसकी कहीं तो जाके फेयर वैल्यू होती है। तो ओवर प्राइस था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ओवर प्राइस से फेयरली प्राइस भी होने लगता है जब चीज़ें कोई नीचे आती हैं। तो कंपनी ख़राब नहीं है, एक तरफा भागने की वजह से वो महंगा हुआ था, तो थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो एक्यूमुलेशन जोन धीरे धीरे आने शुरू हो रहे हैं। एक्यूमुलेशन जोन वो जोन होता है जहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक ही चीज़ का कैवियट है कि बाज़ार में जो सेल ऑफ है जब तक ये चल रहा है कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कटान बोलते हैं उसको हम लोग, कि जब बाज़ार बिकवाली होती है तो कटान होता है, सिर्फ कटती चली जाती चीज़ें, उसमें कहीं सही चीज़ें भी गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाते हैं, अच्छी कंपनियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन वो आपको लॉट ऑड लॉट में से राइट लॉट जो होता है उसे अलग करना होता है और देखना होता है कि हाँ ये ठीक है, इनमें ऐसा कुछ बुरा नहीं है, इनको फेयरली वैल्यूड मिल रहे हैं, आप निकल जाइए। आज कोशिश करूँगा अभी बैठ के कोई कंपनियाँ लिस्ट निकालने की जो थोड़े फेयरली वैल्यूड लगेंगी, अगर ऐसा कुछ मिलता तो ज़रूर आपसे शेयर की जाएगी। ओके, सीएट सर, कंपनी सही है, आप एवरेज भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। गोयनका ग्रुप की कंपनी अच्छी कंपनी है, सो इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन MRF का नंबर देख के लग रहा है कि ठीक ठाक नंबर ही रहेंगे यहाँ पर, इस क्वार्टर में तो एटलीस्ट रहेंगे, एक क्वार्टर बाद इम्पैक्ट आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन ऑटो इंस्टलरी काफ़ी बिकवाली है, और ये सेक्टर जो है टायर, इसमें आप एक ध्यान रखिएगा कि ये कोई लॉन्ग टर्म चलने वाला टायर शेयर सेक्टर नहीं होता, ये मोमेंटम होता है, मोमेंटम मिला निकल जाइए, मोमेंटम में नीचे आ जाए ऐड कर लीजिए, ऐसे करके आप इसमें काम करिए ज़्यादा बेटर है। ओके, अपोलो पे हम बात कर चुके हैं, रुचि सोया पे परवेज साहब कुछ जानकार मानते हैं कि ये बढ़िया रहेगा, 2000 तक जाएगा। उसकी वजह है कि एक स्टेक सेल हो चुका है, दूसरा स्टेक सेल बाकी है जो कि 6% का है, और क्योंकि पतंजलि की मैनेजमेंट ये नहीं चाहेगी कि जिस तरह का अच्छा रिस्पांस उन्हें पहले UFS में मिला है उसी तरह का कुछ रिस्पांस दूसरे में भी आए, तो अगर उस तरह की चीज़ें चाहेंगे तो उनको जाहिर सी बात है प्राइस ऊपर की तरफ ही लेके कहीं स्टेक सेल करेंगे, तभी फेयरली वैल्यू मिलेगा। वो 8% का स्टेक जो उन्हें दिसंबर तक ऑफलोड करने की बातचीत है, तो इसलिए दाम तो चलना चाहिए, इसीलिए शेयर टूट भी नहीं रहा है, कभी भी गिरावट आती है 1040-1050 के जोन्स में आके वापस खिंच जाता है, तो चांसेस तो यही है कि शायद चले, बाकी ब्रोकर हाउसेज की सो फार कोई कवरेज नहीं है इसके ऊपर। ओके, जोमैटो विक्की साहब, जोमैटो नहीं, जितने भी IPO आए 2021 में करीब 65 IPO हैं, जिनमें से 40 तो अपने इशू प्राइस के नीचे काम कर रहे हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा इशू प्राइस के नीचे आ चुके हैं, तो उन सब में एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो कंपनी में लॉस है उसमें मत जाइए, लॉस किसी का साथ नहीं देता, प्रॉफिट सबका साथ देता है। जब बुरा वक्त आता है इस समय का जैसा, तो लॉस वाली कंपनियां नहीं बच पाती, उनकी कटाई होती है बहुत बुरी तरह, पेटीएम जोमैटो उन्हीं में से एक है, लेकिन प्रॉफिट वाली कंपनियां वहां बच जाती हैं, उनके पास डिविडेंड होता है, कैश होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स होते हैं अपने आप को उस भाव को संभालने के लिए, इसीलिए लॉस मेकिंग कंपनी में कभी मत जाइए, भले वो कितना अट्रैक्टिव क्यों ना दिखे, जब तक वो प्रॉफिट ना दे, प्रॉफिट दे दे थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट उनके पीछे एक सपोर्टिव रीज़न तो होगा उनको चलने या रुकने का, यहाँ तो कोई रीज़न ही नहीं है, इसलिए इतनी बुरी तरह से जोमैटो टूट भी रहा है, तो आप ऐसे ही कॉल लीजिए और उसके हिसाब से आपको रणनीति रखनी होगी। खैर, ब्रोकर हाउस टारगेट तो 90 और 110 के भी थे, लेकिन ये शेयर वहाँ से भी आधा हो चुका है। ओके, चलिए अब इतने ही सवालों को मैं शामिल करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग और बहुत सारे सवाल हैं, माफ़ी, बहुत सारे लोगों से जिनसे बातचीत नहीं कर पाया। एक सवाल मेरे पास हर रोज़ आता है, वो है इंडिया बुल्स रियल स्टेट को लेकर, इस पर मैं ज़रूरी बार टिप्पणी कर देता हूँ कि सर इंडिया बुल्स रियल स्टेट के केस में नंबर्स को कीनली वॉच करिएगा इस क्वार्टर के, ऑलरेडी शेयर बहुत टूट चुका है, एक ज़माने में 1000 रुपये का शेयर था, फिर 200 रुपये पर रुका, लास्ट 2 क्वार्टर पहले 195 रुपये का हाई बनाया और अब 90-70 रुपये की रेंज में आ चुका है, तो बहुत कुछ यहाँ से अब शायद है नहीं खोने के लिए, तो वेट एंड वॉच मोड रखिएगा, इस क्वार्टर के नंबर और मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद आप कोई कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तब तक के लिए आप वेट कर सकते हैं। चलिए इतने सवालों को शामिल करूँगा, बाज़ार में तेज़ बिकवाली है, पैनिक में ना आए, कैश में अगर आपने शेयर लिया है तो घबराएं नहीं, लीवरेज पे कोई शेयर लीजिएगा मत, चाहे कुछ हो जाएगा, लीवरेज का कोई माँ बाप नहीं होता, तो लीवरेज को अवॉइड करिएगा, कैश रिलेटेड कैश के ही शेयरों में रहिएगा, वही सबसे अच्छी चीज़ है इस समय।
और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @ सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।